सब्सक्राइब कीजिए एक्सपर्टीज बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइए। हे गाइस, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं एक बैकग्राउंड से। बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते, आपको पता ही लगेगा कि वहाँ पे कुछ था पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना है या फिर ओपन कराना है एक इमेज, जैसे कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया था ये वाला। तो मैंने दो इमेज पे आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मुझे ये बर्ड, ये वाली बर्ड या फिर जो भी एक बर्ड मुझे हटाना है, उसको पूरा हटाना है कि लगे ही ना कि वहाँ पे कुछ था पहले। तो आपको यहाँ पे काम आएगा एक पैच टूल का, जो इसका पैच टूल का यूज मैंने पहले बनाया था एक, बट इसमें मैं दिखाऊंगा अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इस वाले बर्ड को मैं हटाने जा रहा हूँ। तो इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, आप क्लिक एंड होल्ड करके इसको सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ तक मैं लगा देना है। जैसे कि ये सिलेक्ट हो गया, अब मैं इस वाले पोजीशन को एग्जैक्टली सेम, मतलब स्काई का ही अलग पोजीशन वहाँ पे डाल दूंगा और आपको पता नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने इसको खींच के यहाँ ले आया, तो ये वाली जो बैकग्राउंड है ये वाली वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लाया तो ये वाली शिफ्ट हो रहा है। अब मैं ये लाऊंगा तो ये बर्ड भी वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये लाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ ये रख देता हूँ। अब आपको जाना है सिलेक्ट डिसलेक्ट। अब देखिए, आपको कुछ लग रहा है वहाँ पे कुछ था पहले, नहीं लग रहा है ना, बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है। बस आपको जो प्लेस प्लेस से आप रिमूव करना चाह रहे हो उस वाले प्लेस को थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें कुछ होना। तो बहुत सिंपल है। चलिए मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस कर देता हूँ क्लोज, नहीं करना सेव, ओपन। यहाँ पे जैसे कि मेरा ये वाला, इसमें बड़े वाले बार्ड, इसको हटाऊंगा। तो पहले मुझे जाना है पैच टूल। अब मैं इस वाले को हटाता हूँ। बस आपको ये सिलेक्ट करना है। अब अच्छे से करिएगा क्योंकि सिलेक्ट बेकार होगा तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा क्लाउड रहना जरूरी है, नहीं तो आपको नहीं, मतलब अजीब लगेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ ऐसे सिलेक्ट डिसलेक्ट। देखिए कुछ पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हो उसका ध्यान रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय क्लिकिंग डायरेक्ट बटन राइट नाउ प्लीज़। और हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ और बहुत कुछ बनाने वाला हूँ, ट्यूटोरियल्स बहुत कुछ, तो जाके देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।